क्वेश्चन. मस्जिद मध्ये फीमेल्सना जाऊन का नाही देत, किंवा म्हणजे तुमच्या ह्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे का की नाही जायचं, किंवा जायचं पण का जायचं वगैरे असं? देखो, मस्जिद में जाने से कोई किसी ने रोका नहीं है. यानी हमारे रिलीजन में, मुस्लिम धर्म में, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए. मोहम्मद मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि उन औरतों को, यानी जो अल्लाह की बंदियां हैं, उनको मस्जिद में जाने से मत रोको. इवन तुम जो ईदगाह होती है ना, यानी जहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, वहाँ पर भी तुम लेके जाओ. तुम तुम्हारे बच्चों को भी लेके जाओ और सबको लेके जाओ, साथ में बीवी को भी लेके जाओ. और इसका मतलब ये होता है कि परमिशन तो है, मगर लोगों ने उसको रोक लिया है. क्यों? कि लोग ये समझते हैं कि उधर जाएंगे तो उधर मेल्स भी रहते हैं, फीमेल्स भी रहते हैं, तो एक दूसरे को देख लेंगे, उनका टाका बिड़ जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं. पर ये कहता हूँ मैं कि अगर तुम बाज़ारों में जा सकते हो, औरतें बाज़ारों में अकेली जाती हैं, और रेलवे स्टेशन पर अकेली जाती हैं, जहाज़ से सफ़र अकेली करती हैं, बस से सफ़र अकेली करती हैं, तो वहाँ पे कोई फसाद नहीं होता, तो मस्जिद में जाने से क्यों फसाद होगा? तो हमको चाहिए कि ध्यान दें कि एग्जैक्टली रिलीजन क्या कहता है और लोग क्या कह रहे हैं. बहुत सी चीज़ें आज ऐसी भी हैं रिलीजन में जो नहीं है, पर लोग उसको कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं. तो हमको डिटेल स्टडी करने के बाद में ये पता चलता है, वरना जो हम सुनते हैं वैसे ही करते हैं. अगर हमने सुना कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, तो हम दूसरों को यही पहुंचाते हैं कि औरतों को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, तो वो हिसाब से चलते रहते हैं. अभी एक बात है कि औरतों के बारे में तुम्हारे धर्म में क्या कहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है. और तुम लोग क्या कर रहे हो औरतों के बारे में, हिंदू धर्म में क्या कहा है और हिंदू धर्म वाले क्या कर रहे हैं, ये एक बात है. जैसे कि ऋग्वेद में बताया है, ऋग्वेद में हिम नंबर 33 और बुक नंबर 8 और मंडल नंबर 19 में बताया है. क्या बताया है कि ये जो लेडीज़ हैं ये ब्रह्म के औलाद हैं, है ना, तो उनको चाहिए कि अपने सर पे पल्लू ले लें और अपने निगाहों को नीचे रखें. ये किसमें कहा? ऋग्वेद में कहा. ये ऐसा होता है क्या? नहीं होता. आज क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन चल रहा है. आज क्या हो रहा है कि लोग ये समझते हैं कि जितना हम मॉडर्न रहेंगे उतना, मॉडर्न यानी क्या? वेस्टर्न स्टाइल. सो भारतीय संस्कृति को सब लोगों ने भूल दिया है. भारतीय संस्कृति का ड्रेस अच्छा ड्रेस है एक्चुअली, पर वो ड्रेस हम नहीं पहनते. कौन सा ड्रेस पहनते हैं आज? वेस्टर्न स्टाइल पहनते हैं. कम से कम ड्रेस जितना हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा जो फिट ड्रेस हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं लड़कियाँ. आजकल लड़के भी वही करने लगे हैं. तो उससे क्या होता है कि जितनी तुम्हारी बॉडी दिखेगी उतना तुम अट्रैक्ट करते हो पीपल को. जो रेप केसेस होते हैं उसका जिम्मेदार कौन रहता है? जेंट्स नहीं रहते, उसका जिम्मेदार लेडीज़ रहते हैं. क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं. तुमने अगर, जैसा कि ऋग्वेद में कहा है कि वेल अपने चेहरे पर ले लो, यानी पर्दा ले लो, इसका मतलब बुरका ले लो. अब अगर तुमने बुरका लिया तो सवाल ही नहीं आता नज़र से नज़र मिलाने का. ये नज़र ही तो ख़राब है ना. जब नज़र से नज़र मिलती है तब ये सब कुछ होता है. तो वैसा ही कुरान में कहा, यानी कि उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर अपने आप को ढांक ले, चादर ओढ़ ले, ताकि लोग उनको पहचाने नहीं और ना उनको सताए. ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो अगर हम ऐसा करेंगे या औरतें ऐसा करेंगी तो उनको सताने का सवाल ही नहीं आता, उनके पीछे बच्चे लगने का सवाल ही नहीं आता. हम जब दूसरे के ऊपर ब्लेम देते हैं, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हम रहते हैं, पर हम ब्लेम किसको करते हैं? बच्चों को करते हैं. उसमें बच्चों की क्या मिस्टेक है? मिस्टेक तो है, पर अगर तुम सीधे से रहो तो बच्चे सीधे से रहेंगे. अच्छा, दूसरा कुरान में गाइडलाइन क्या दिया है? कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफुज़ु फुरूजहुम. तो उनसे कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने प्राइवेट पार्ट्स को संभाल के रखें. तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है. आगे ये कहा, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह जानता है, ये भी कह दिया. और उसके आगे ही कहा कुरान में कि वो मोमिन औरतों से भी कहो, मोमिन ने क्या कि जो अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो उनसे ये कह दो कुल्लिल मोमिनाती यगदुदन मिन अबसारिहिन्न व यहफुज़न फुरूजहुन्न.
और वला युवती ना जीन तो ना, इसका मतलब ये होता है कि उनको मोमिन औरतों को कह दो कि जो लेडीज़ हैं उनको कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। उधर मोमिन मर्दों को भी कहा कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, इधर मोमिन औरतों को भी कहा अपनी निगाहों को नीचे रखें। अब ये दोनों की अगर निगाहें नीचे रहेंगी तो किसका किससे क्या होगा, टाका बिड़ेगा क्या, नहीं बिड़ सकता ना। तो ये गाइडलाइंस है कुरान की, और उसने ये भी कहा कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपने गुप्त अंगों का हिफाजत करो, प्रोटेक्ट करो उसको, और ये कि तुम अपने जो श्रृंगार है ना उसको जाहिर मत करो। तुम अच्छी तरीके से लिपस्टिक लगाते हो, मेकअप करके आते हो अच्छा दिखने के लिए, अच्छा जो तुम लोग अच्छा दिखते हो, दिखाई देने के लिए कोशिश करते हो, किसको दिखाने के लिए करते हो, सीधा सीधा है, मेंस के लिए दिखाते हो ना, और किसको दिखाते हो। ऐसा कभी ऐसा लगता है क्या कि तुम श्रृंगार करके घर में ही बैठे रहो, ऐसा नहीं होता ना। जब तुमको कहीं पे फंक्शन के लिए जाना रहता है तभी तो तुम श्रृंगार करते हो, और वो किसके लिए करते हो। तुम कितना भी कहो कि हम हमारे लिए करते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, नहीं होता ये। ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए रहता है। और मैं तुमको ये बता दूँ कि जब कोई लड़की एक बुरके में लड़की है, एक इंडियन ड्रेस में लड़की है, और एक वेस्टर्न स्टाइल में कपड़े पहनी हुई लड़की है, अब जो लड़कों की निगाहें जाएंगी वो किसकी तरफ जाएगी, वेस्टर्न ड्रेस वाले के पास जाएगी। तो इसमें गलती किसकी है, गलती पहले तो वो जिसने कपड़े पहने हैं उसकी गलती है, और फिर दूसरी गलती ये भी है कि जो कुरान में कहा है और जो तुम्हारे ऋग्वेद में कहा है कि तुम ब्रह्म की औलाद हो तो तुमको चाहिए कि तुम्हारी निगाहें नीचे रखें और अपने सरों को ढक लें, अपने चेहरे को ढक लें, ये जो कहा है उसने, तो उसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, अपने हम मनमानी कर रहे हैं। तो ये मनमानी की वजह से जो फसाद हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, जो मारामारी हो रही है, जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो भी कुछ गलत चीज़ें हो रही है, जो भी कुछ इमोरल थिंग्स हो रही है इस दुनिया में, इसका रीज़न हम ही लोग हैं। क्यों कि हम ग्रंथ को फॉलो नहीं कर रहे, क्यों कि हम कभी ग्रंथ को खोल के दिखाई नहीं है कि उसमें है क्या। अभी जो लोग ये कहते हैं कि मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए, वो उन्होंने अपना एक धर्म बना लिया है कि औरतों को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। बोलो पण सर ऑलमोस्ट सगळ्यांनी कुराण तर वाचलंच असेल ना, मग त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे, मग ते का नाही फॉलो करत। अरे तोच तर तुम्ही आपण काय बघतो, तुम्ही आणि आम्ही काय बघत असतो की लोक हे मुस्लिम आहेत, हे लोक कशी वागतात, त्याच्यावरून असं गुमान करतो आपण, अजम्पशन करतो की मुस्लिम धर्म असाच आहे। ज्यावेळी आम्ही नॉन मुस्लिम्सला बघतो त्यावेळी सुद्धा आम्ही त्यांना बघून हे असं ठरवतो की हा धर्म असाच आहे, पण ज्यावेळी आपण खोल स्टडी करतो त्याची त्यावेळी समजत येतं आपल्याला की हा धर्म कसा आहे आणि लोक काय करतायत। गॉट इट? आता मी तुला काय दोन चार गोष्टी सांगितल्या की ज्या धर्मात नाही आहे, पण तुमच्या धर्मात आहेत, ॲक्च्युली धर्मात आहेत, पण त्याला फॉलो केल्या जात नाही। जसं की स्वर्ग आणि नरक जे आपण बोललो ते कोणासाठी आहे, जर हे सगळ्यांना जर मोक्ष मिळणार असेल तर ईश्वराने जे बनवलेलं आहे गरुड पुराणमध्ये जे दिलेलं आहे ते कोणासाठी केलेलं आहे हे सगळं, आणि जर 84 योनीनंतर तुम्हाला काय मोक्ष असेल तर हे कसं पॉसिबल आहे की स्वर्गात कोण जाणार आहे, सगळेच स्वर्गात जाणार का। म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत ज्याच्यावरती खोल विचार करण्याची गरज आहे आजला। आणि आपण फक्त काय करतो, जे लोक बोलतात त्या पद्धतीने ऐकतो आणि तसंच आपण फॉलो करतो त्यांना आणि त्याच्यावरती काही विचार करत नाही। तर माझा मत असा आहे की लेडीज लोकांनी मशिदीमध्ये जाऊन नमाज पढू शकतात, हे मी फतवा देत नाही आहे, परंतु जो माझा अभ्यास आहे त्याच्यावरून असं मी सांगू शकतो की जे नॉलेजेबल आमच्यामध्ये लोक आहेत त्यांनी त्याचा विचार करावा, आणि पण मशिदीमध्ये गेल्यानंतरसुद्धा त्यांनी सेपरेट राहावं, त्यांचा अरेंजमेंट सेपरेट असावा, दोन्ही मिक्सअप होऊ नये असं। कारण हे असं जे लोक आजकाल म्हणतात की आम्ही दोघे फ्रेंड आहोत, अपोजिट सेक्स कॅन नेवर बिकम फ्रेंड, अपोजिट सेक्स कॅन नेवर बिकम फ्रेंड। आमची किती चांगली फ्रेंडशिप आहे, तुम्ही बोला हो किती चांगली फ्रेंडशिप आहे, तू सुद्धा बघितलं असशील, आणि आपण सुद्धा नेहमीचा एक्सपिरियन्स घेत असतो। फ्रेंडशिप टर्न्स इन टू व्हॉट, बरोबर की नाही। मग तुम्ही कितीही बोलायला लोकांना उल्लू बनवायचं असेल तर बनवा हो, पण ते फ्रेंडशिप दोन अपोजिट सेक्समध्ये नाही होऊ शकत,
जिथे दोन अपोजिट सेक्स आले आणि तुम्ही एकत्र बसलेला आहात आणि तिथे कोणच नाही आहे, तिथे शैतान येतो मध्ये आणि काही ना काहीतरी होऊन जातं मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, पण दीज आर द फॅक्ट्स. यू हॅव टू ॲक्सेप्ट दीज फॅक्ट्स. आणि जर तुम्ही फॅक्ट्स ॲक्सेप्ट नाही केला देन गेट एक्सपीरियन्स, टेक एक्सपीरियन्स. एक्सपीरियन्स भी ले सकते हैं कि ना, तो उसमें से पता चलेगा. पण इट इज सेट कि डोंट टेक योर ओन एक्सपीरियन्स, लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियन्सेस. सो थैंक यू फॉर टुडे.